So we are going to do another topic, which is end use energy conservation. We have started the demand side management. I have told you about the definition part. Also, we have did the previous topic. जिन्होंने नहीं देखा वो लोग लास्ट वाली वीडियोस देख लेना, थोड़ा समझ लेना. अब ये एंड यूज एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं. किस एरिया में इसका कितना ज्यादा इफेक्ट है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डीएसएम, मीन डिमांड साइड मैनेजमेंट. इसमें होता क्या है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम देखते हैं किस एरिया में हमारे पर्टिकुलरली हमारा एनर्जी कंजप्शन किस तरीके का है, किस तरीके से रिएक्ट करता है. मोस्टली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कैसे हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को जो ना क्या कर सकते हैं, एक एक लेवल पे मतलब उसको बैलेंस कर सकते हैं. इन द सेंस की ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आजकल जो आपकी मतलब वी कैन से दैट की जो चोरी वगैरह हो रही है, वी कैन कंट्रोल दैट ऑल्सो. सो अब यूटिलिटीज जो उस चीज को मतलब कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ऑल कंट्रीज हैव अन डायरेक्ट अ नंबर ऑफ प्रोग्राम. अब ये लोग क्या करते हैं, मतलब यूटिलिटीज जो भी हमारा हैंडल करती हैं और ये गवर्नमेंट, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने अंडरटेक कर दिया बहुत सारे प्रोग्राम्स को इन्होंने लाया. जैसे नाउ डेज क्या होता है हमारे पास, कि हमारी गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लाती है, लाइक प्रधानमंत्री की कोई योजना, या फिर ये सब देर आर मेनी स्कीम्स. तो उन स्कीम्स के अंदर क्या होता है, नॉट स्कीम्स, देर आर सम प्रोग्राम्स. तो उन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, हम लोगों को एक स्पेशल एक फंड मिलता है, या फिर एक ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो वी हैव टू फॉलो, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, हमारा एक टाइप का प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट नॉट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इन द सेंस कि एक एनर्जी रिसोर्स को एक तरीके से यूज किया जा रहा है, एक हमारा बैलेंस कंडीशन बन रही है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ हमारे प्रोग्राम्स लेके आए ताकि वो हमारे जितने भी अप्लायंसेस है ना, उनकी एफिशिएंसी को क्या कर पाए, इम्प्रूव. अप्लायंसेस मतलब चाहे वो डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हो, या फिर एक इंडस्ट्री लेवल पे यूज हो रहे हो. तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था. सो अब क्या करना है, फिर वो उन्होंने प्रमोट किया इस तरीके से ताकि हमारी एफिशिएंसी हो ना, वो क्या कर पाए, इंप्रूव. किसकी एफिशिएंसी, हमारे अप्लायंसेस की एफिशिएंसी. अब इन प्रोग्राम्स ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, जो भी जब से ये लॉन्च हुए हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, उनकी जो इक्विपमेंट यूज हो रही है उनको, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प की है. हमारा जो मतलब एजुकेशन जो हम इसके थ्रू देना चाहते हैं, ये एजुकेशन मतलब ये जो अप्लायंसेस आप लोग इस तरीके के यूज करो टू दी कॉमन पीपल या फिर इंडस्ट्री पीपल, ये पॉसिबल हुआ है इन प्रोग्राम्स की वजह से. ऑल्सो टाइम टू टाइम एनर्जी ऑडिट्स हुए हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीजें क्या हुई हैं, बैलेंस हुई हैं. सो ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, हम उनके बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे. तो द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंड यूज एनर्जी कंजर्वेशन, तो बेसिकली जो प्रोसेस है इसी को एंड यूज एनर्जी कंजर्वेशन कहा जाता है. एंड यूज मतलब यूजर के एंड पॉइंट तक आप किस तरीके से एनर्जी कंजर्व करते हुए चीजों को एनालाइज कर रहे हो वो. तो इसमें पहली चीज आ जाती है लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग. अब लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग क्या होता है, अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि मतलब बेस्ट क्या है आपका कंडीशन, जहाँ पे आप कंजर्व भी कर पाओ चीजों को और लोड मैनेजमेंट भी प्रॉपर कर पाओ. तो एक लोड मैनेजमेंट का टॉपिक मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को. तो क्या होता है कि जहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन भी प्रॉपर कर पाओ और लोड मैनेजमेंट भी प्रॉपर कर पाओ, तो उस तरीके के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करा गया. तो बहुत सारी यूटिलिटीज मतलब जितनी भी हमारी हैंडल करने वाली जो ये फर्म थी, उन लोगों ने स्पेशली यूएसए में कुछ एक प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करा. पर धीरे धीरे क्या हो गया, उस कंट्री की डेवलपमेंट शुरू हुई इन प्रोग्राम्स की वजह से, बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन अ सच अ वे दैट एनर्जी कंजर्वेशन विल बी एनर्जी कंजर्वेशन वुड बी कंट्रोल्ड बाय दीज प्रोग्राम्स. तो इस तरीके से होता क्या, तो लीस्ट हमारी क्या हो, यूजेज हो, बैलेंस कंडीशन में हो, लेकिन हमारी क्या हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने वाली चीजें हो. सो हमने क्या किया, फिर ये चीजें इंट्रोड्यूस की, मतलब हमने नहीं, द गवर्नमेंट इन इंडिया, इन यूएसए. उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ न्यू कैपेसिटी, एडिशन सप्लाई साइड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड यूज एफिशिएंसी मेजर्स ऑल आर बी एग्जामिन. क्या क्या एग्जामिन हुआ इस वाली जो गवर्नमेंट ने पैटर्न लाया
एनर्जी कंजर्व करने का, जहाँ पे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन और लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को इकट्ठे डाल के देखा गया। यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूव होता है हमारे पास, यहाँ पे कॉस्ट इम्प्रूव हुई, साइड एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एंड यूज एफिशिएंसी मतलब जहाँ एंड यूज ऑफ लेवल, मतलब तो जैसे अगर हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं वहां तक जो था एफिशिएंसी इम्प्रूव की गई। सो इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये वाला जो हमने इकट्ठे प्लानिंग करी है ना हमारे एनर्जी कंजर्वेशन और लोड मैनेजमेंट की, दिस इज वेरी इफेक्टिव, तो हम लोग फ्यूचर में ये चीज यूज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा हमारे पास, लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग, जहाँ पे दो चीजों को साथ रख के देखा गया यूएसए में कि कैसे ये डेवलप कर पाती है कि नहीं कर पाती। हाँ ये कर गई, तो इसलिए इसको कहा गया लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग। द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, एक और लेवल पे इन्हांसमेंट होती है, देयर इज अ प्रमोशन ऑफ हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। अब उन टेक्नोलॉजीज को आगे इंट्रोड्यूस करना जिसकी वजह से हम उन लोगों को बता पाए कि ये एफिशिएंसी, देखो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो चीज ज्यादा रिलायबल होगी, ज्यादा अच्छी होगी। अब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, दो बाइक्स हैं, एक बाइक जो है थोड़ी सी पुरानी है, पुरानी भी कह सकते हो या नहीं, चलो नहीं लेके चलते, दोनों नई की नहीं। आप देखते हो जब आप खरीदने जाते हो कोई बाइक या कोई गाड़ी, उसकी एफिशिएंसी देखते हो कितना, मतलब एफिशिएंट रहेगी वो हमारे लिए, कितना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चलती है, या मतलब सारी चीजें, उसका इंजन कैसा है वो कैसा है। अब आप एक बाइक आप देख रहे हो, जब हम चलाते हैं तो जो आप जस्ट सोचो जो धुआं है ना पीछे से इंजन का, वो मतलब पूरा से आराम से ब्लैकिश, मतलब ज्यादा धुआं निकलता है। एक बाइक बाइक है जो दूसरी वाली, उसका जो धुआं है वो इतना ज्यादा नहीं निकल रहा, तो मोर एफिशिएंट वो हुई जो जिस बाइक का जो धुआं है वो कम निकल रहा है, मींस जो पोल्यूट जो कर रहा है इन्वायरमेंट को जो कम कर रहा है, दैट इज वेरी मच एफिशिएंट एज कम्पेयर टू दैट बाइक विच इज पोल्यूटिंग मोर। सो इस तरीके से अब क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, इस वाली चीज को इंट्रोड्यूस किया। अब इस स्कीम में क्या होता है कि जैसे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं, एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी, इवेपोरेट कूलर, फैन, मोटर, ये सारी चीजें आ जाती है इस वाली टेक्नोलॉजी के अंदर। मीन्स हम एज इफ एंड यूज एनर्जी की बात करें, एंड यूज मतलब हमारे घरों तक, इंडस्ट्रीज तक क्या क्या चीजें पहुंच रही है, क्या क्या ये चीजें यूज होती है, अप्लायंसेस क्या क्या यूज होती है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इवेपोरेट कूलर, फैन, मोटर एक्सेट्रा। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट होती है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका मकसद क्या है, दे हैव टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी और अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, जिनकी वजह से हमारा इंडियन जो पार्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल वो डेवलप्ड हो पाए, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स को निकालना, अच्छे अप्लायंसेस को निकालना जिनकी रिलायबिलिटी एफिशिएंसी बहुत हाई हो। द सेकेंड वन इज टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरर्स सो दैट हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब इस स्कीम की वजह से कुछ फंड्स तैयार होते हैं, जो फंड दिए जाते हैं उन लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को, जो इस तरीके से इकोनॉमिकली मतलब चीजों को तैयार कर पाए ताकि एंड यूजर उसको इजिली ले भी पाए और एफिशिएंट चीज हमारी बने, तो इसीलिए कुछ फंड्स भी तैयार हुए। थर्ड वन इज प्रेफरेंस फॉर हाई एफिशिएंसी डिवाइसेस बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट ने यही कहा है। अब आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल समझाई थी कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टार एसी भी होते हैं और 4 स्टार एंड 5 स्टार चीजें भी होती हैं, तो हम देखते हैं ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, एज दे क्लेम दैट दे कैन मेक योर बिल इन अ लो लेवल, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो वाली चीजें लेते हैं कि जो हमारे बिल्स को क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए, कम बिल आए। That's why we used to prefer those things as when we do prefer the bill will come automatically very less. क्यों? क्योंकि उनमें high resistivity material या high material, high quality of material use होता है। So ये था हमारा हमारा कौन सा, जहाँ पे हमने promotion किया high efficiency technologies को। So okay. After two aspects, now the third one is energy conservation opportunities in agricultural sector. अब कैसे हम agriculture sector तक end use of energy जो है देखते हैं। अब ये data आप देखो, ये थोड़ा सा वैसे तो है तो यहाँ पे latest ठीक है, but अब थोड़ी और changes आ चुकी हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो 30% इलेक्ट्रिसिटी हमारी इंडिया में कंज्यूम होती है ना, वो बेसिकली कहाँ कंज्यूम हो रही है,
वो हमारी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से कंज्यूम हो रही है ना, वो है 30%। बेसिकली हम कह सकते हैं 93,000 मिलियन किलोवाट आर करके कुछ इतनी एनर्जी हमारी यूज होती है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सिर्फ इंडिया का डाटा है, इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पंप कितने हैं, ये कुछ ये फिगर दिए आपको, इस तरीके का फिगर है। ये टोटल इतने पंप्स हैं हमारे, अभी ज्यादा हो चुका है, बट आप ये इतना ही याद रखो, ठीक है। तो थोड़ा फ्लक्चुएट्स करते हैं रेट। इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में चीजें हो रही हैं। अब ये यूज किस तरीके से हो रही हैं, जैसे हम लोग पंप्स लगाते हैं, द फार्मर यूज पंप मोटर, और वो बहुत ही ज्यादा जो है बड़े ही ज्यादा एनर्जी कंजर्व करते हैं, ठीक है, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो जो पंप्स मोटर जो भी वहां पे इक्विपमेंट यूज होते हैं। दैट्स व्हाई द पार्ट ऑफ द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज दिस मच, ठीक है। इस तरीके से जो पंप्स यूज हो रहे हैं, और भी एसेसरी यूज हो रही है, तो होता क्या है, समटाइम्स इट लीड्स टू द ह्यूज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब हमको वहां पे भी थोड़ा एफिशिएंट मटेरियल यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर छोटे फार्म्स हैं वहां पे इतना बड़ा पंप लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे उसी हिसाब से पंप लगा जाए जितना आपको जरूरत है, जितना फार्मर्स को जरूरत है। इस तरीके से यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में एफिशिएंसी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को जो इक्विपमेंट यूज होते हैं हमारे फार्मिंग के लिए, उस तरीके से लगाने चाहिए जिनकी एफिशिएंसी होती हो। इट मीन्स कि अगर बहुत बड़ा आपका फार्म है तो आपको उसी हिसाब से चीजें खरीदनी पड़ेंगी, बट एफिशिएंट चीजें जो रिलायबल हो। अगर आपका छोटा फार्म, आपको कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े हॉर्स पावर का या इतने बड़े इतनी ज्यादा बड़ी एफिशिएंट मतलब बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीद के आप वेस्टेज करो इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस तरीके से कंजप्शन हो सकती है हमारी कंट्रोल, वी कैन से दैट एनर्जी कैन बी कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ व्हेन वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज इन फैंस एंड रेफ्रिजरेटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई, बिकॉज जो फैंस है ना हमारा, हम लोग समर्स में तो मतलब फैंस है ही है, जिन बेचारों के पास कूलर्स, दे कैन नॉट अफोर्ड कूलर्स इवन, वो लोग तो फैन का यूज करते ही करते हैं। जो लोग मतलब नहीं भी होते हैं ना, आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जो फैन के बिना रहता होगा। हाँ, देर आर सम पीपल दोस हु कैन नॉट इवन अफोर्ड दैट फैन ऑल्सो, दैट इज द डिफरेंट केस। अब क्या होता है हमारे पास, हम लोगों को समर्स में बहुत सारे फैंस का यूज करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज होता है, यूज ऑफ हाई एफिशिएंसी फैन मोटर अगर हम यूज करते हैं तो हम देखो अब होता क्या है, फैन चलते रहते चलते रहते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, समटाइम्स व्हाट हैपन कि कहीं पे हमारे पास रेगुलेटर्स लोगों ने लगाए होते हैं, कहीं पे तो रैंडमली डायरेक्ट फैन चल रहा होता है। रेगुलेटर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट दिस एड्स टू द एफिशिएंसी, इट एड टू द कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और द एनर्जी। कैसे, क्योंकि इससे 20% एनर्जी सेव होती है हमारी, अगर हम रेगुलेटर्स के साथ फैन को यूज करें ना तो 20% एफिशिएंसी हमारी होती है, मीन सेव होती है। एक चीज और, जो फैन की मोटर है इट शुड बी हाईली रिलायबल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि एनर्जी कंजर्व करने का एक और मतलब हमारे पास तरीका है, जो फैंस की मोटर्स लगी होती है वो ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, तभी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाएंगे और रेगुलेटर्स हो हमारे साथ, दैट्स वाई वी कैन सेव अप टू 20%। अब कुछ फैंस होते हैं एरोडायनेमिक डिजाइन्स, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखो ये वाले डिजाइन के जो फैंस होते हैं ये इम्प्रूव क्वालिटी के होते हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसमें इस तरीके से 10% एनर्जी और हम मतलब बचा सकते हैं, मतलब 10% एनर्जी यूज होती है। दैट्स व्हाई 20 ऊपर वाला 20 + 10 और क्या हो जाएगा, 30% टोटल एनर्जी सेव होगी। अब इसकी वजह से हमने क्या किया, हमारे पास और हमें चीजें जो है हमको मतलब एफिशिएंट मिलती गई। लेकिन ये फैन होते तो हैं, एनर्जी काम तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये कॉस्टलियर भी बहुत होते हैं, इनको ये कन्वेंशनल फैंस कॉस्टलियर होते हैं। दैट्स व्हाई पीपल यूज टू क्लेम दैट कि हमारे पास ये वाले फैंस हैं तो आप लोग क्या करो, ये एनर्जी एफिशिएंट है ये चीजें यूज करो। मोस्टली ये चीजें क्या होती है, कॉस्टलियर होती हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस तरीके से हो चीजें ताकि आपकी कॉस्टली भी ना हो और आप एफिशिएंटली यूज कर पाओ। ना रेफ्रिजरेटर की ओर चलते, अब इंडिया में हमारा क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर का यूजेज है वो है 165 लीटर करके समथिंग,
बड़े ज्यादा लेवल पे यूज होता है, ठीक है, लेकिन बहुत पुअर कंडीशन है। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना वो होती है 540 किलोवाट आवर पर ईयर। अगर हम कोरिया की कंसिडर करें वो 240 समथिंग है, 200 किलोवाट आवर पर ईयर समथिंग है। तो मतलब इंडिया में जो हमारा रेफ्रिजरेटर का कंजप्शन है ना बहुत ज्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे रेफ्रिजरेटर बने ही नहीं है जो हमारे ज्यादा रिलायबल हो, हाईली एफिशिएंट हो एज कम्पेयर टू दी फॉरेन कंट्रीज। वहाँ पे इतने अच्छे रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो हाईली एफिशिएंट एंड हाईली रिलायबल होते हैं इंडिया से, एज फार एज कम्पेयर टू इंडियन रेफ्रिजरेटर्स दे आर फार हाईली एफिशिएंट। तो इसमें होता क्या है कि कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वेस्टेज आता है। इसका सोल्यूशन यही है कि हमारे इंडिया में भी ऐसे ही रेफ्रिजरेटर्स बनने चाहिए जिसकी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, जिसकी हाईली एफिशिएंट हो। अब कंप्रेसर डिजाइन ही होता है मेन रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, यहाँ पे जो आपको मेंशन किया है कंप्रेसर डिजाइन होता है। इसमें क्या होता है, विच आर वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसी को हमने बनाना है अच्छे से, दैट्स सो दैट वी कैन कंपीट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरीके से आए कि एनर्जी कंजर्व रहे और हमारे पास कोई भी हमें ऐसी सिचुएशन ना मिले जहाँ पे हमारे पास एनर्जी का ओवर यूज हो रहा हो या फिर एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड यूज एनर्जी कंजर्वेशन।